अगर आप एक कंजर्वेशन एंड फिशरी ऑफिसर्स हैं और कनाडा में काम करना या परमानेंटली माइग्रेट होना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी वीडियो सीरीज कनाडा इमिग्रेशन पाथवे फॉर स्किल्ड माइग्रेंट्स में एक और स्किल प्रोफाइल वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको कनाडा में कंजर्वेशन एंड फिशरी ऑफिसर्स के प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन अथवा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स, मीडियन तथा रिटायरमेंट एज, करियर स्कोप, विभिन्न प्रोविंसेस में कंजर्वेशन एंड फिशरी ऑफिसर्स की करंट जॉब ओपनिंग्स और सबसे जरूरी फैक्टर एवरेज, मैक्सिमम तथा मिनिमम वीकली और आवरली वेज रेट के बारे में बताएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके इमिग्रेशन से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज अथवा अन्य जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आइए सबसे पहले आपके प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कनाडा में हर एक ऑक्यूपेशन के लिए एक प्रॉपर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये डिस्क्रिप्शन उस प्रोफेशन के वर्क एरियाज और विभिन्न इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए जरूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अच्छे से बताती है। कंजर्वेशन एंड फिशरी ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स और ऑब्जर्वर्स फिश और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और रेगुलेशंस की पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करते हैं। वे ट्रक, एयरक्राफ्ट, बोट या ऑन फुट के माध्यम से पेट्रोल्स कंडक्ट करते हैं ताकि फिश, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट से संबंधित प्रोविंशियल और फेडरल स्टैट्यूट्स के कंप्लायंस को सुनिश्चित किया जा सके। वे कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वायलेटर्स को अरेस्ट करते हैं, ब्रीफ्स तैयार करते हैं और कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत करते हैं। वे लाइसेंसेस, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और स्पेशल परमिट्स जारी करते हैं और फिश, वाइल्ड लाइफ और टिम्बर रिसोर्सेज पर असेस्ड रॉयल्टीज को कलेक्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ के कारण होने वाले डैमेज को प्रिवेंटिंग या ओवरकमिंग करने के लिए अप्रूव्ड टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट और सुपरवाइज करते हैं। रिसोर्स प्रोटेक्शन ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फिशिंग गियर और इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन और फिशिंग एक्टिविटीज की रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस के लिए मॉनिटरिंग। रिसोर्स डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि फिश की इन्वेंटरीज बनाना, वाटर सैंपल्स कलेक्ट करना और साइंटिफिक रिसर्च में बायोलॉजिस्ट्स की सहायता करना। फायरआर्म सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्सेज और ट्रैपर एजुकेशन कोर्सेज की सुपरविजन करना या उन्हें प्रदान करना। कनाडा में हर ऑक्यूपेशन के लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशन लेवल की जरूरत निर्धारित है। इसके अलावा कुछ जॉब सेक्टर्स में काम करने के लिए लाइसेंसिंग अथवा अन्य सर्टिफिकेशंस की भी जरूरत रहती है। तो आइए अब आपके प्रोफाइल के लिए जरूरी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखते हैं। कंजर्वेशन एंड फिशरी ऑफिसर्स के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या संबंधित डिसिप्लिन में कॉलेज प्रोग्राम आमतौर पर जरूरी होता है। उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग और लॉ एनफोर्समेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित कोर्सेज दिए जाते हैं। क्लास 5 ड्राइवर्स लाइसेंस, पेस्टिसाइड एप्लीकेटर्स लाइसेंस और एक्सप्लोसिव्स लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। किसी एक प्रोफाइल के लिए कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस में प्रोफेशनल्स की मांग कम या ज्यादा हो सकती है। प्रोफेशनल्स की यह डिमांड उस प्रोविंस में मौजूद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और संबंधित इंडस्ट्री सेक्टर्स के आकार पर निर्भर करती है। तो अब हम आपके प्रोफाइल में जॉब ओपनिंग्स की संख्या के आधार पर प्रोविंसेस की लिस्ट देखेंगे। jobbank.gc.ca द्वारा उपलब्ध कराए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार इस वीडियो की पब्लिशिंग डेट तक कंजर्वेशन एंड फिशरी ऑफिसर्स के प्रोफाइल पर 51 जॉब ओपनिंग्स के साथ क्वेबेक लिस्ट में सबसे ऊपर है, जबकि क्वेबेक सिर्फ 21 जॉब ओपनिंग के साथ इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर है। आपके प्रोफाइल से जुड़ी लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स और उन्हें अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए लिंक को अभी क्लिक करें। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जॉब फैक्टर की बात करेंगे,
जो कि आपकी सैलरी या आवली वेज रेट से संबंधित हैं। जॉ बैंक GCCA के द्वारा हाल ही में दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमने कनाडा में आपकी प्रोफाइल के लिए मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन वेज रेट का एनालिसिस किया है। तो आइए देखें कि ये आंकड़े आपके प्रोफाइल के बारे में क्या बताते हैं। कनाडा में कंजर्वेशन एंड फिशरी ऑफिसर्स हर घंटे औसतन 35 कैनेडियन डॉलर्स कमाते हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक आपके प्रोफाइल के लिए कनाडा में मैक्सिमम वेज रेट 48 कैनेडियन डॉलर्स है और मिनिमम वेज रेट 21 कैनेडियन डॉलर्स है। कंजर्वेशन एंड फिशरी ऑफिसर्स के प्रोफाइल के लिए अल्बर्टा सबसे ज्यादा वेज रेट के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है, जबकि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड सबसे कम वेज रेट देने वाला प्रोविंस है। इसके अलावा अगर आप कनाडा की सभी प्रोविंसेस की एक डिटेल्ड वेज वाइज रैंकिंग देखना चाहते हैं या फिर अपनी फेवरेट प्रोविंस में आपके प्रोफाइल के लिए उपलब्ध जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें। इमिग्रेशन पाथवेज। कनाडा में माइग्रेट होने के लिए कई वीजा ऑप्शंस तथा इमिग्रेशन पाथवेज उपलब्ध हैं। इन ऑप्शंस के जरिए स्किल प्रोफेशनल्स सीधे परमानेंट रेजिडेंसी, वर्क वीजा या स्टडी वीजा प्राप्त करके कनाडा में सेटल हो सकते हैं। अगर आप भी अपने प्रोफाइल से संबंधित वीजा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक कंसल्टेंसी सेशन बुक करें। हम अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए हर प्रकार की इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ एक वन स्टॉप ऑनलाइन इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म देते हैं। आप हमारे एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी सेशंस, असेसमेंट एप्लीकेशन फाइलिंग, एम्प्लॉयर सर्च, LMIA फाइलिंग, वर्क वीजा फाइलिंग तथा PR फाइलिंग जैसे विभिन्न विषयों पर किसी भी तरह की असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाना चाहते हैं या फिर अपने लिए कनाडा में सेटल होने की बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपीरियंस्ड माइग्रेशन एडवाइजर के साथ एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल तथा आपके मौजूदा सर्कमस्टांसेस का डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। तो अपने प्रोफाइल पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अभी ही एक्सपर्ट सेशन जरूर बुक करें। इसके अलावा अगर आप एक कैनेडियन एम्प्लॉयर हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए बेस्ट मैनपावर को हायर करने और उनके LMIA एप्लीकेशन या वर्क वीजा की फाइलिंग करने के लिए भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी काम की जानकारी मिली होगी। इमिग्रेशन से संबंधित ताज़ा जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे।